नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। दिवाली के महापर्व का हर किसी को इंतजार रहता है। हिंदू धर्म में दिवाली का बेहद महत्व है। धनतेरस से भाई दूज तक करीब 5 दिनों तक चलने वाला दिवाली का त्यौहार इस साल 4 नवंबर 2021 गुरुवार को है। दिवाली को कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में त्यौहार की तैयारियां जोरों से जारी हैं। वहीं अयोध्या में दीपोत्सव की पहली झलक देखने को मिली है। राम की पैड़ी से लेकर सरयू घाट तक रंग बिरंगी लाइटों से सज चुका है। बता दें कि वैसे तो 3 नवंबर को छोटी दिवाली के दिन दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है, लेकिन अभी पूरे घाट दुल्हन की तरह सज कर तैयार हैं। सतरंगी छटा सरयू के पानी में भी दिखाई दे रही है। लाइट्स की टेस्टिंग हुई है, जिस दौरान अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की झलक देखने को मिली है। जानकारी के लिए बता दें कि इनमें लेजर लाइटें सबसे खास हैं। इन्हें लगाने के लिए दिल्ली से करीब 100 लोगों की टीम अयोध्या आई हुई है, जिनकी मेहनत की बदौलत अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। राम की पैड़ी पर करीब 2 किलोमीटर तक ये लाइटें सजाई गई हैं। लेजर लाइट के दौरान आसमान में तरह तरह की कलाकृतियां भी उकेरी जाएंगी। इनकी रोशनी करीब 5 किलोमीटर तक दिखाई देगी। लेजर शो में रामायण के खास दृश्यों को स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। दीपोत्सव के लिए मुख्य मंच भी सजाया गया है। इसी मंच से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जनता का संबोधन करेंगे और दिवाली की शुभकामनाएं देंगे। यहां दिवाली से पहले ही ऐसा अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है कि मन मंत्रमुग्ध हो गया है। अभी से लोग राम की पैड़ी पर इसे देखने पहुँचने लगे हैं। यहाँ की रौनक देखते ही बन रही है। गौरतलब है कि छोटी दिवाली के दिन इन 32 घाटों पर 9.5 लाख दीपक जलाए जाएंगे, जिससे कि अयोध्या नगरी जगमगा उठेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।